ये दोस्तों इनके जैसे ही परिवार में रहते रहते बहुत सारे लोगों का सस्पेंस बिगड़ जाता है तो लोग आपस में लड़ बैठते हैं, ठीक वही प्रक्रिया इनके अंदर भी होती है। भैया थोड़ा शांति बनाए, दोस्तों आप ये देखिए, भैया का कहना था कि यहाँ चार इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। भैया जो फोन किए थे कहाँ गए? भैया उदय राज हमारा नाम है, रामनगर हमारा गांव है, पोस्ट हमारा किच्छा है, थाना खुटान है, तहसील बदलापुर है, जिला जनपुर रामनगर। अपना नाम क्या बताया सर? उदय राज विश्वकर्मा। ये सर सांप कब देखा गया? सांप लमसम नहीं तो लमसम 10 बजे के बीच में देखा गया। आज दिन में? हाँ, दिन में 10 बजे के बीच में देखा गया। वहाँ किस लिए गए थे? तो गए थे भूसा लेने के लिए, निकालने के लिए। तो जो झाल जब हटाने लगे तो वहाँ पे दिखा। अच्छा, फिर क्या ये लोग वहाँ से निकल आए, बोले साफ है तो ये 3-4 साफ है। अच्छा, ऐसा इसको निकाला जाए। तो हमारे पास फोन आया, दुकान पे मैं था तो वहाँ से फोन आया, तो मैं आया जी। जब मैं आया देखा साफ था, मैं बोला चलो किसी के पास फोन लगाओ। मैं बोला एक साफ होता चलो निकाल देता, निकल जाता, लेकिन साला 3-4 साफ जब दिखा मेरे को, मैं बोला देखिए फोन ही लगाओ किसी को। तो चलिए दोस्तों आपको करीब से दिखाते हैं वो साफ है कौन सा, और आप नजर जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे भी तो खतरा हो भी सकता है। और नहीं आइए प्लीज कम आप लोग खड़े जाओगे? ये दोस्तों जानवरों का चारा रखा हुआ है जिसको हमारे गांव में भूसा कहते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों चूहा आता है और चूहा को खाने के लिए सांप आता है। बाहर अभी बारिश हुई थी और अब धीरे धीरे गर्मी का महीना आ रहा है। इनका कहना है कि इसी के नीचे सांप है ना, इसमें चलिए होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग वीडियो को देख करके अपने हाथ से इस चीज़ों को हटाते हैं और कभी कभी उनके साथ खतरा हो जाता है। हाय हाय, इधर ही है, मैं देखा था। कौन सा सांप था भैया? कोबरा, ब्लैक कोबरा था साला। देखो वहां से कोई हाय 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 हाय, इधर भी है उधर भी। अच्छा, सब बोल नहीं है, देखना है। नहीं हो जाना भाई, देखा ब्राव पंचा। भैया थोड़ा शांति बनाए, शांत रहा। दोस्तों आप ये देखिए, भैया का कहना था कि यहाँ चार इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, है ना सर? जी जी, देखिए तीन होगा भाई, तीन तो मैंने देखा आपसे, लेकिन एक बोल भाभी बोल रहे थे चार है। ये दोस्तों हमारे भारत का एक ऐसा खतरनाक सांप है जिसके काटने के बाद कुछ होता नहीं, बस इंसान मर जाता है। जैसे इलाज अगर सही टाइम पे नहीं हो पाया तो देखिए दो होगा या तीन होगा, दो से कम नहीं है इसके अंदर। चलिए दोस्तों आप ये देखिए, एक ये है, एक और होगा, ये कहीं साला नहीं नहीं है, है है, मैं देखा था, ये कहीं था, नहीं नहीं एक और है, एक और है, इससे इससे बड़ा है। चौकी का हटा था, चौकी उठाई उधर से। आप लोग करते रहिए, थोड़ा सा इसे हटा दे, चौकी कोने से। हाँ हाँ, नहीं बीच से उठा दीजिए, रुक जाइए, रुक, ये बाहर जा रहा है, रुकिए बाहर जा, रख दीजिए, वो जा रहा है बाहर ऊपर, ऊपर जा हो गया, कोने ये काट भी लेगा भैया, इससे भी थोड़ा आप डरिए, इसके बारे में भी देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर में नीचे
देखिए आपके हाथ इसको दोस्तों आप देखिए ये आगे नर और मादा के रूप में नर मादा है। चलिए भाई कैसे निकलना है बाहर? चलो तो ये थोड़ा दाब दे चुकी फिर हाँ निकल जाओगे। ये दोस्तों है नर और मादा के रूप में, मतलब नाग और नागिन। चले चले भाई चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ जाओ। दोस्तों ये है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। थोड़ा शांति बना भी आप लोग। ये नर और मादा के रूप में ठंडक के महीने में ही दोस्तों एक साथ रहते थे गांव में। इसको हमारे यहाँ नाग और नागिन के नाम से जानते हैं। इनके काटने के बाद दोस्तों 40 से 50 मिनट का टाइम होता है। जब भी ऐसा सांप अगर काटता है तो आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि दोस्तों इसके काटने के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये दोस्तों थोड़ा सा अलग कुछ देखने को मिला है आज। ये ब्राउन है और ये ब्लैक है। दोस्तों महिलाओं से एक अपील है कि घर में आप कोई भी सामान को जो फालतू है उसे ना रखें, साफ सफाई रखें, क्योंकि इसके काटने के बाद बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए इसे पैक करेंगे और काफ़ी दूर लेके चलेंगे, जंगल झाड़ियों में जहाँ पर घर परिवार ना रहे वहीं पर इसे रिलीज कर देंगे। ये दोस्तों इनके जैसे ही परिवार में रहते रहते बहुत सारे लोगों का सस्पेंस बिगड़ जाता है तो लोग आपस में लड़ बैठते हैं, ठीक वही प्रक्रिया इनके अंदर भी होती है। संयोग होता नहीं, संयोग उसको बनाया जाता है। आप अपने हाथ में टार्च नहीं लिए हैं, अंधेरे में गए हैं, अब इसको क्या पता काटना है कि नहीं काटना है, किसको पता है। ना 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 ये भूल है, इसी गलती कभी मत करिएगा। दोस्तों ये अंधेरे में जैसे ही पैर से दबता है वैसे ही तुरंत ये काट लेता है अपने बचाव के लिए घूम करके। दोस्तों अंदर चार सांप हैं जैसा बताया गया, दो तो मिल चुके हैं, दो और बाकी हैं। चलते हैं उसको भी निकाल के दिखाते हैं, लेते हैं थोड़ा सा समय। तीन मैंने देखा था भाई, एक एकदम ब्लैक कलर का था, मैंने देखा। दोस्तों काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद बड़ा ही जद्दोजहद हुआ। घर में बहुत सारे कूड़ा कबाड़ थे, उसको हटाने के बाद सिर्फ नर और मादा के रूप में दो ही सांप मिले हैं। डर और भय एक ऐसी चीज़ है, कभी कभी देखने में ऐसा लगता है दोस्तों जो हम देखते हैं वो होता नहीं है। सूचना मिली थी चार सांप हैं, माता जी ने जो देखा था तो सांप इधर उधर रेंगता है तो ऐसा लगता है तीन चार है, क्योंकि डर और भय जो रहता है निगाहें एकाग्र होकर नहीं देख पाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और